स्वभावसु कर्म फल को वेदता
जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे, जो दूध गुण पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है कर्म फल को जानता, कड़वे मधुर बहुभांति का इससे अवेदक है आहा। जो जीव को करे तो यह चेत
चेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषय। प्रकृति करे मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को तो भयकृत जो होय तत्फल भोग भी हो भय को। कर्म ही करे अज्ञानी त्यों ही ज्ञानी भी कर्म ही करे। कर्म ही सुलाते जीव को त्यों कर्म ही जागृत करे। कर्म ही भ्रमावे ऊर्ध्व लोकरु अधहरु तिर्यक विषे। हर कुछ भी जो शुभ या शुभ उन सर्व को कर्म ही करे। नारी को स्त्री कर्म इच्छे पुरुष को ऐसी श्रुति आचार्य देव परंपरा अवतीर्ण है। अरुजोहने पर को हनन हो पर से वो प्रकृति है। इस अर्थ में परघात नामक कर्म का निर्देश है। का उपदेश ऐसा जो श्रमण वर्णन करे उस
मत से सब प्रकृति करे, जीव तो अकारक सर्व है। समय में उससे न उसको हीन क्यों ही न अधिक कोई कर सके। रहे तो यो भी यह आत्मा स्वयं निज आत्मा को नहीं करे। कुछ से न जीव विनष्ट है, यो जीव वेद वो ही या को अन्य नहीं एकांत है। सिद्धांत है अरहंत के मत का नहीं, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। नहीं तन्मय बने, त्यों जीव करम फल
पर वह नहीं तन्मय बने। चेष्टावरु उस ही से शिल्पी अनन्य है, त्यों जीव कर्म करे अवरु उस ही से जीव अनन्य है। चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुखित जैसे हो यह है, हर दुख से शिल्पी अनन्य त्यों चेष्ट मान जीव दुखी बने। ज्यो से टिका नहीं अन्य की है से टिका बस से टिका, ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा। से टिका संयत नहीं त्यों अन्य का संयत अहो संयत तथा। विषयक कथन नय परमार्थ का, सुन लो वचन संक्षेप में इस विषय में व्यवहार का। स्वभाव से आत्मा भी त्यों ही देखता पर द्रव्य को निज भाव से। स्वभाव से सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता
पर द्रव्य हो निज भाव से। यो ज्ञान दर्शन चरित में निर्णय कहा व्यवहार का, अरु अन्य पर्याय विषय में भी इस प्रकार ही जानना। चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन विषय में, इस हेतु से यह आत्मा क्या हन सके उन विषय में। चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन काय में, इस हेतु से यह आत्मा क्या हन सके उस काय में। वे कोई नहीं पर द्रव्य में, इस हेतु से सद्दृष्टि जीव को राग नहीं है विषय में। उत्पन्न आप स्वभाव से। उद्गल दरब बहु भांति निंदा स्तुति वचन रूप परिण में, सुनकर उन्हें मुझको कहा बिन रोष तोष गल दरब शब्दत्व परिणत उसका गुण जो अन्य है, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे है अबुध रोष तू क्यों करे। अशुभ जो रूप वह तू देख मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे
चक्षु गोचर रूप को। शुभ रस कोई भी तू चाख मुझको नहीं कहे, अरुजीव भी नहीं ग्रहण जावे रसन गोचर स्वाद को। कर्म को
दुख बीज को। शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु शास्त्र अन्य प्रभु कहे। काल अन्य प्रभु कहे।
आसान नहीं, क्योंकि अचेतन रूप है। इस हेतु से है ज्ञान अन्य रूप, अन्य अध्यवसान है। सब ही बुद्ध पुरुष माने ज्ञान को। ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगिक अरुवैशसिक है। इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा वह नहीं कुछ भी ग्रहे, छोड़े नहीं कुछ भी अहो, जीव अजीव रूप पर द्रव्य में। मुनि लिंग को अथवा गृहस्थी लिंग को बहुभांति के ग्रह कर कहत है मूढ़ जन, यह लिंग मुक्ति मार्ग है। ज्ञान को बस मोक्ष मार्ग प्रभु कहे।
लिंग द्वय को मोक्ष के पथ में कहे, निश्चय नहीं माने कभी कोई लिंग मुक्ति पंथ में। यह समय प्राभ्रत पठन करके जान अर्थ रु तत्व से ठहरे, अर्थ में जीव जो वह सौख्य उत्तम पठन करके जान अर्थ रु तत्व से ठहरे, अर्थ में जीव जो वह सौख्य उत्तम परिणमे, ठहरे अर्थ में जीव जो वह सौख्य उत्तम परिणमे, ठहरे अर्थ में जीव जो वह सौख्य उत्तम परिणमे। अभ्यास करे शुद्ध भाव को।